वेलकम टू मेनी व्लॉग। और जनाब क्या हाल है? ठीक है सब? अच्छा बात ये है कि अब आप लोग सारे पूछ रहे हैं, हर एक बंदे के कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि मैम क्या बात है, आपका व्लॉग नहीं आ रहा था, व्लॉग नहीं आ रहा था, व्लॉग नहीं आ रहा था। हाँ यार व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि आई एम टू मच बिजी। मतलब कि मेरे पास एक मिनट नहीं हो रहा था कि मैं ना कम अज़ कम एडिटिंग कर सकूँ या व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। इवन मैंने ना इन चंद दिनों में कुछ भी मतलब रिकॉर्ड भी नहीं किया, लेकिन आज मैं स्पेशली उठ कर छत पर आकर आप लोगों के लिए जो है व्लॉग एडिट करने वाली हूँ। ओके तो बताती हूँ यार क्या बात। पहले तो ये देखिए मैं प्यारी लग रही हूँ ना? ओह माय गॉड, हाँ यार मैं प्यारी लग रही हूँ ऑब्वियसली। अच्छा यार पूरा हम अब सीरियस होते हैं। ओके सीरियस बात ये थी कि यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, कुछ मामा की तबीयत थोड़ी अपसेट है और कुछ आई हुई थी मेरी नानू, तो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा और मसरूफ़ थी। फिर कुछ घर के काम होते हैं, आपको पता है घर में जब आप बड़े बहन भाई हो तो आपको बहुत सारे काम होते हैं और वो काम आपको करने होते हैं क्योंकि वो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है ना। जो लोग बड़े बहन भाई हैं ना वो रिलेट कर रहे हैं। तो बस कुछ इसी तरह के काम थे मुझे और बहुत सारे काम थे और एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, उसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा अभी नहीं बता सकती। हाँ पर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वो वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। और यस आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एक इस पिछले पूरे वीक में ना मैंने सबसे जो मज़े का काम किया ना, मैं मिली हूँ हम यार आपको पता है मैं मिली थी ना, ओह माय गॉड मैं आप गेस करें नहीं, लिटरली असल में ना आप गेस भी नहीं कर सकते हो। पता है मैं ये नहीं व्यू कितना बुरा आ रहा है। ओके थोड़ा व्यू चेंज करते हैं ना, ये कुछ बेहतर है, ये देखो यहाँ से कुछ बेहतर आ रहा है यार, ये पीछे से तारे, अच्छा इनको आपने ये देखो ये व्यू अच्छा है। अच्छा यार मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि मैं मिली थी हमारी क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम, ओह माय गॉड वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन बिस्मा मारूफ से। यस यार लिटरली ये अभी मेरी एक्साइटमेंट है ना, आगे मैं पिक्चर शेयर करती हूँ वो भी आप लोग देखना ज़रूर, ठीक है? अभी तो ये मेरी एक्साइटमेंट आप लोगों को अभी नज़र आ रही है और सोच सकते हैं कि बंदा यार उसमें मेरी क्या एक्साइटमेंट लेवल होगा। लिटरली वो बहुत ही मज़े का था। और पता है मैंने क्या किया, मैंने ना उनके साथ एक पिक्चर ली, आपको दिखाऊँगी अभी आगे, ठीक है आप लोग देखना। हमारी गली में आए हैं सब्जी वाले अंकल, आवाज़ आ रही आनी भी चाहिए यार, कोई बात नहीं छो के वी विल मैनेज इट, थोड़ा बहुत तो चलता है यार। अच्छा खैर मैं आप लोगों को बताने वाली थी, मैं आपको बिस्मा मारूफ के बारे में बता रही थी यार। लिटरली यार वो एक बहुत ही नोबल बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी है यार। मतलब होता है ना कि आप किसी से मिलते हो और उसको एक ही बार में जज कर लेते हो, एक ही बार में आप उससे मिलते हो और आप कहते हो यार ये बंदा ठीक नहीं है, ओह माय गॉड इससे दोबारा नहीं मिलना। और लिटरली यार वो जब मैं उनसे मिली थी ना, वो लिटरली वो बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही नाइस पर्सन, वो भी बिल्कुल मैच खेल के आ रही थी प्रैक्टिस करके, और एकदम मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैम कैन यू प्लीज टेक अ पिक्चर विथ यू। तो वही बात कि उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, बल्कि एक सेकेंड नहीं लगाया उन्होंने, और उन्होंने वैसे ही अपने बाल बांधे और अपने लेग पैड्स उतारे और फटाफट से वो चीज़ वाली स्माइल लेकर मैं इस पिक्चर के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। और आप पिक्चर देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल ये वाली फीलिंग नहीं आएगी कि वो थकी हुई हैं। ये देखें ये पिक्चर तो आपने देख ली है, आप फाइनली आप तो खुश हैं। ये देखें आज वेदर कितना अच्छा हुआ है, किसी को चक्कर तो नहीं आ रहे? ओके ठीक है मैं समझ गई, किसी को चक्कर नहीं आ रहा। अच्छा यार चीज़ ये है कि आज वेदर देखें कितना अच्छा, वेदर नहीं अच्छा होगा असल में ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये क्या कहते हैं क्लाउड्स अच्छे हुए हैं बस, वरना यहाँ पर जिस तरह से मैं खड़ी हूँ ना ये ऐसे बहुत मुश्किल है, गर्मी बहुत है, जो लोग बाहर हैं ना उनको पता है। तो ये थी बात, और नेक्स्ट व्लॉग हम करेंगे वो हम बाकी किसी वो क्या कहते हैं उसको प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि अभी मुझे सिर्फ आपसे बातें करनी थी कुछ और चीज़ें बतानी थी आपको और बस। हम शूट करें हैं व्लॉग और हमारे साथ आए हैं कवा भाई, चलें देखते हैं कवा भाई को। जी तो जनाब कवा भाई आपको नज़र आ रहे हैं, ये खा रहे हैं कुछ बैठ के यहाँ पे। जी कवा भाई क्या चाहते हैं आप? मैं एक कुछ नहीं चाहता मैं चाहता हूँ मुझे सुकून से खाने दो। देखो मैंने जूम किया है ना तो इसलिए मेरा हाथ हिल रहा है और ये इसलिए आप लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं पर कवा भाई थोड़े मसरूफ़ हैं, ऊपर कबूतर भाई भी बैठे हैं, ओह माय गॉड चिड़िया भी गुजर रही है। जी जनाब थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, झंडे से आपको पता लग गया, अब आपने कहना अभी छोड़ी जा रही है और ऐसा कुछ है नहीं है कि हवा नहीं चल रही, हवा चल रही है यार हल्की हल्की।
उस बेचारे को पता भी नहीं है कि वो एक सेलिब्रिटी बन गया है, ठीक है, उसको हमने ब्लॉग में दे दिया है। और अभी मैंने खाई है अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने वाली छोटी सी चॉकलेट, है ना ना। चलो आगे देखते। तो जनाब खैर आज की बोंगियाँ हुई हैं ख़त्म, आपने कहना है अभी हमें तंग करी जा रही है, तो बात ये है कि बस ख़त्म करते हैं यार ब्लॉग, ठीक है। कल एक प्रोडक्टिव ब्लॉग लाएंगे, नहीं प्रोडक्टिव नहीं कह सकते उसको आप यार, एंटरटेनिंग कह सकते हैं, ठीक है। एंटरटेनिंग ब्लॉग कल हम एक शूट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कुछ मज़े का, कुछ इंजॉयमेंट वाला। ओके अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे रुको रुको रुको, जा कहाँ रहे हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, सब्सक्राइब बटन तो प्रेस कर दो, ये कैसी बात है, ऐसे ही जा रहे हो? और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और लाइक करना मत भूलना। मेरी तरह से अल्लाह हाफिज़। ये हैंड्री वाले हाथ से ही अल्लाह हाफिज़, क्योंकि देखिए इनको छोड़ दिया ना तो वॉइस ठीक नहीं आने का आपको, ठीक है। अगर आपको मंजूर है तो छोड़ देते हैं, मंजूर है ओके ठीक है छोड़ देते हैं, अल्लाह हाफिज़।